और भाइयों क्या हालचाल। अगर आपको एक स्मार्टफोन खरीदना है, बजट बहुत कम है या फिर बजट 20,000 या उससे ऊपर का है, तो आपके लिए आज का न्यूज बहुत मस्त होने वाला है। वीडियो जरूर पूरा वॉच कीजिएगा। और सबसे पहली खबर आ रही है शाओमी की तरफ से, शाओमी का पोको F1। ये पोको F1 जो है वो शाओमी का ही सब ब्रांड बोल सकते हैं। तो पोको F1 हो गया है इंडिया में फोन लॉन्च। और इस फोन की सबसे ज्यादा सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर दिया गया है। स्नैपड्रैगन का 845, मैं बता दूं क्योंकि स्नैपड्रैगन का अभी तक सबसे ताकतवर प्रोसेसर है। और यह प्रोसेसर एक बोले तो एकदम बेस्ट है, इससे बेस्ट प्रोसेसर स्नैपड्रैगन में अभी तो कोई नहीं है। अभी देख लीजिए प्राइस, स्नैपड्रैगन के 845 के जितने भी फोन आए हैं ना, 30,000 से ऊपर क्या है, 32,000, 35,000, 40,000, 50,000, 60,000 तक क्या है इस फोन के प्राइस। यार मैं अभी और फीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें सेल्फी भी 20 मेगापिक्सल की है, पीछे भी डुअल कैमरा है, हर चीज़ अच्छा है, 6 इंच का स्क्रीन भी, 5.9 इंच का स्क्रीन भी है। हालांकि फोन को चार वेरिएशन में निकाला गया, लेकिन यार चारों के प्राइस अनबिलेबल। जो चारों वेरिएशन है ना, 6GB RAM, 64GB ROM, दूसरा है 6GB RAM 128GB ROM के साथ में, तीसरा है 8GB RAM और 128 और 8GB 256, ये चार वेरिएशन है। बट चारों के प्राइस यार मतलब सुन के मजा आ गया यार, क्या फोन। पता नहीं यार, मुझे लग रहा है इस फोन में कंपनी चूंकि नहीं है, इस फोन में इस कंपनी को तो प्रॉफिट तो नहीं होने वाला, ये तो मुझे पता लग रहा है, बट इसको शायद लॉस हो रहा है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन स्नैपड्रैगन का फोन 21,000 से ये दे रहे हैं, वो भी 845 का, बहुत आश्चर्य, बहुत पता नहीं, ये मार्केट में एकदम आग लगा देने वाला फोन होगा बिल्कुल, क्योंकि ये स्नैपड्रैगन का फोन अभी तक कोई भी वर्ल्ड में ऐसा फोन नहीं बना 845 में जो इस प्राइस रेंज में ये फोन उतारेगा। फोन को जब लॉन्चिंग थी, जब फोन के जब प्राइस आया तो सुन के मजा आ गया, 21,000 से यह फोन लेके 30,000 के बीच में चारों वेरिएशन है। मैं आपको एक ही करके डिटेल बता देता हूं, जो आपको 21,000 में मिलेगा 6GB RAM मिलेगा और 64GB ROM के साथ में मिलेगा फोन में। हां, GPU भी 638 Adreno लगा हुआ है, और इसमें एक नई टेक्निक लिक्विड एंड कूलिंग टेक्निक आई है। इस टेक्निक की मदद से जो फोन में हेवी ग्राफिक्स वाले वर्क करते हैं, कोई भी ग्राफिक्स वाले काम करे या फिर हेवी गेम खेले ग्राफिक्स वाले, तब भी आपकी फोन जो है हिट नहीं होने वाली, गर्म जो है बहुत ज्यादा नहीं होने वाली, क्योंकि कूलिंग टेक्नोलॉजी है, लिक्विड और कूलिंग टेक्नोलॉजी, ये एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी के साथ में इस प्राइस रेंज में निश्चित रूप से कमाल करने वाला। और सेल्फी भी है 20 मेगापिक्सल का। गाइस ये 29 अगस्त से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर HDFC बैंक का कार्ड यूज करेंगे तो ₹1,000 का और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब क्या चाहिए सोने पे सुहागा। नेक्स्ट खबर ईबे की तरफ से आ रही है। ईबे के बारे में मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि ये 14 अगस्त को बंद हो जाने वाला है। ebay.in, ईबे इंडिया की बात कर रहा हूं, उसको फ्लिपकार्ट ऑलरेडी खरीद चुका है। अभी क्या है कि ebay.in के जगह पे फ्लिपकार्ट toogood.com एक नई वेबसाइट लॉन्च कर दी। अभी ebay.in की वेबसाइट खोलोगे तो ईबे का भी आएगा पेज को toogood.com पे आपको कन्वर्ट कर देगा। बेसिकली ये फ्लिपकार्ट की अपनी साइट होगी, यहाँ पे रिफर्बिश प्रोडक्ट मिलेंगे, चाहे मोबाइल फोन हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो या फिर इसके एसेसरीज हो। ये जो वेबसाइट होगी ये रिफर्बिश प्रोडक्ट के लिए ही होगी। मतलब आप अगर कोई अमेजोन फ्लिपकार्ट या कहीं से भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो बेसिकली आप उसको रिटर्न कर देते हैं, या हो सकता है कुछ मलवेयर, कुछ फंक्शन वगैरह जो है काम नहीं होता, डिफेक्टिव होता है, जो कि बाय डिफॉल्ट मैन्युफैक्चर डिफेक्ट होता है, तो उसको आप लोग रिटर्न कर देते हैं। अगेन उस फोन को आप ऑर्डर करते हैं तो ऐसे नहीं कि वही कंपनी आपको रिपेयर करके देती है या फिर आपको क्या किसी और को नहीं देती है, वो रिफर्बिश फोन में चला जाता है। रिफर्बिश फोन भी ठीक होता है क्योंकि इसके प्राइस कम होते हैं, और इस फोन पे भी आपको 3 महीने से लेके 12 महीने तक की वारंटी भी मिलेगी। प्राइस कम है और वारंटी भी मिल रही है और फ्लिपकार्ट का सर्टिफिकेशन का मोहर लगा हुआ मिल रहा है आपको, तो फिर क्या चाहिए भाई, उसकी ट्रस्ट है, आप इसको खरीद सकते हैं। मेरे हिसाब से भी यार, अगर मान लो कि 12,000 का फोन है, 9,000 में या 8,500 में या फिर उससे आसपास में मिल रहा है तो कोई खराबी नहीं है, वारंटी तो मिलती है। थोड़ा सा अगर मान लो कि आपके पास कोई फोन आया, हल्का फुल्का चेक वेक किया भैया, खोल देख लिया भाई, चला उला के देख लिया, हाँ अगर काम नहीं करा वापस कर दिए, फिर ठीक हो, या फिर कई बार अच्छा भी होता है तो लोग वापस कर देते कि पसंद नहीं है बोल के, अपने इंडिया में बहुत फेमस वर्ड है, पसंद नहीं है मुझे वापस करना है, तो वहां पे ई कॉमर्स वाले तो रिटर्न कर देते हैं, बट उसको रिफर्बिश बना के आपके पास प्राइस कम करके बेचते हैं। नेक्स्ट कवर है 10 और D2 के लेकर। 10 और फोन का एक नया फोन D2 लॉन्च हो गया है। यह बिल्कुल मतलब लो बजट फोन बोल लीजिए, क्योंकि इसके प्राइस 7,000 और 6,000 दो वेरिएशन में फोन लॉन्च हुआ है। 2GB RAM 16GB ROM के साथ में है जो 6,000, और 3GB 32GB वाले का दाम है 7,000। इसलिए मैंने बताया था स्टार्टिंग में, क्योंकि लो बजट में भी ये बहुत अच्छा फोन होने वाला है, और हाई बजट में जो मैंने 20,000 है उस पर ऊपर में पोको F1 है वो भी एक बहुत अच्छा फोन है। यहाँ पे D2 फोन की खासियत क्या है आप थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे आपको फुल HD डिस्प्ले नहीं मिलता है, HD डिस्प्ले मिलता है, 5.4 इंच की आपको यहाँ पे स्क्रीन की साइज मिलती है। इसके बाद 2D ग्लास प्रोटेक्शन है, 1.4 GHz स्नैपड्रैगन का ही 425 प्रोसेसर मिलता है, GPU भी 8308 आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद 13 मेगापिक्सल का है पीछे कैमरा, सामने है सिर्फ सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल ही कैमरा, 3140 एमएच
इसकी बैटरी है, फिंगरप्रिंट नहीं है, और क्या चाहिए यार, इतने में बच्चे की जान लोगे। स्नैपड्रैगन 425 दे रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। फोन में कैमरा 13.5 दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। 2 GB और 16 GB, 3 GB, 32 GB दे रहे हैं इस प्राइस रेंज में, ये एक अच्छी बात है। मैं आपको एक बात और बता दूं, टेनोर जो कंपनी है कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, यह अमेजोन की अपनी कंपनी है, तो आप इसको भी खरीद सकते हैं। और क्योंकि ये अमेजोन की कंपनी है तो इसलिए इस प्रोडक्ट को भी एक्सक्लूसिव अमेजोन पे ही बेचा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट क्वालकम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के लिए के आ रही है। आपको भी पता होगा, कुछ दिन से सुन भी रहे हैं कि अब 5G इंडिया के वर्ल्ड में आने वाला है। 5G 2019 के बीच में या फिर फर्स्ट क्वार्टर तक ये आ सकता है। अब इस फोन में जो क्वालकम स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर लगे हैं उसकी जो बनने की जो टेक्नोलॉजी है वो 7 nm यानी 7 nm टेक्नोलॉजी। अभी तक स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर आते हैं 845 जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, या फिर 625 630 वगैरह जो भी है, ये सब 12 nm या फिर 14 nm नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बने थे। आप सोचो 7 nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड ये स्नैपड्रैगन का X50 5G चिपसेट बनके बोलो तो रेडी हो गया है। अब आने वाले टाइम में फोन में ये मिलने वाला है। अब आप खुद ही सोच लो कि इस तरह की टेक्नोलॉजी आने से फोन की परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया होने वाली है, क्योंकि 5G को सपोर्ट भी तो होना है। और 5G के टाइम में जो कैमरा होंगे वो और एडवांस, डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी और एडवांस, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो ऑलरेडी आपका जो प्रोसेसर है वो इस सारे टेक्नोलॉजी को हैंडल करने लायक तो होना ही चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट एप्पल की तरफ से आ रही है। एप्पल भी 12 सितंबर मतलब नेक्स्ट महीने में 3 नए फोन लॉन्च करने जा रही है। यहाँ पे एप्पल 9, एप्पल 11 और एप्पल 11 प्लस ये होने जा रही है। अब देखो यार, एप्पल के बारे में मैं कुछ ज्यादा कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यार एप्पल का काम वही है डिस्प्ले का साइज कम ज्यादा करना और फंक्शन वही थोड़े बहुत इधर उधर करना और नया नया मॉडल निकालना, हर साल तो उनको वही काम है। अब एप्पल 9 जो है वो सिमिलर होगा एप्पल एक्स जो एप्पल 10 बोल सकते उसके जैसा होगा, एप्पल 11 और 11 प्लस होगा एप्पल X2 और एप्पल एक्स प्लस के जैसा। बाकी तो फोन एप्पल का ब्रांड है तो वो तो ऐसे ही बिकता है। गाइस यही है आज का टेक प्राइम गिवे अवे जो कल हुए थे रिजल्ट्स, अब मैं आपको अनाउंसमेंट करता हूं। विनर है मोहित पांडे, उनको मिलते हैं ये हेडफोन्स। अगर आप भी बनना चाहते हैं विनर तो इस वीडियो के नीचे कीजिए काफी सारे कमेंट, फेसबुक पे इसको फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगी। कल वाले वीडियोस में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।